दुर्ग में ऑल इंडिया सिंगर्स एसोसिएशन द्वारा एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों एवं उनकी माओं का फैशन शो किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रोमन पार्क में हुए इस आयोजन में संगीत से जुड़े लोगों ने अपनी संगीतमय प्रस्तुतियां दी। हम बता दें कि इस एसोसिएशन द्वारा समय समय पर इस प्रकार के आयोजन कराए जाते हैं। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मीडिया के समक्ष जानकारी दी। इसका उद्देश्य एक ही था कि हमारे यहाँ पे इस तरह का जो प्रोग्राम जो यहाँ पे रखा गया था आयसा के तरफ से, वैसा हमारे स्टेट लेवल पे या दुर्ग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत ही कम आयोजन होता है। और सबसे बड़ा जो मोटो था वो ये था कि वीमेंस पावर को थोड़ा सा सामने करके दिखाना है, थोड़ा सामने लाना है, थोड़ा फोकस करना है, इस बात की कोशिश की गई है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम उसमें काफ़ी सक्सेस भी हुए हैं, लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया है, बहुत ही अच्छा रहा शो और ये एक मील का पत्थर साबित होगा। आज इधर मैं जो आई हूँ, इधर बच्चों का था, बड़ों का था, डांस कंपटीशन था, फैशन कंपटीशन था और इसमें मॉम्स की भी एक अलग से थी जो हम लोग बच्चे के साथ भी कर सकते थे। ये बहुत एक एक्साइटिंग मोमेंट था हम लोग मॉम्स के लिए कि हम लोग भी कुछ कर पा रहे हैं आफ्टर मतलब हैविंग किड, वी आर ऑल्सो कैन पार्टिसिपेट। तो ये बहुत अच्छा लगा और पूरा दिन हम लोग आए इधर, एटमोसफियर इतना अच्छा था कि एकदम लगे नहीं कि हम लोग कोई कॉम्पिटिशन में आए हैं। फ्रेंडली वेदर था तो हम लोग इतना इन्जॉय किए और इसमें बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। आज के कार्यक्रम में तीन कैटेगरी थी, एक तो सुपर हमारे सिंगर्स थे जो 50 प्लस थे, जिन जो अलग अलग गानों में जिन्होंने परफॉर्म किया, ये हमारे टीम मेंबर्स हैं। और सेकंड में थी सुपर मॉम, सुपर मॉम जो अपने अपने अंदर के हुनर को सिर्फ घर तक ही रख पाती हैं, तो आज स्टेज में उन्होंने अपना बखूबी रंग दिखाया और बहुत प्यारी लगी और सबको क्राउन्स मिला, दे लुक सो ब्यूटिफुल। एंड थर्ड था डांसिंग एंड जूनियर किड्स एंड टीन्स मॉडलिंग, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने अपने डांस का हुनर दिखाया और मॉडलिंग रैंप पे वॉक किया और सब ने बहुत एंजॉय किया। आयोजन किया गया था एक्चुअली ऑल इंडिया सिंगर्स एसोसिएशन का नाम आपने सुना होगा और पिछले एक साल से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। मेन मकसद ये है कि जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, जब वो सोचना छोड़ देते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी के आखिरी समय हो गया हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग उनको जीना सिखाते हैं। और उसमें क्या है, सिंगिंग एक ऐसा माध्यम है जो किसी की भी ज़िंदगी में रंग भर देता है, तो इसलिए ऑल इंडिया सिंगर्स एसोसिएशन को हम लोगों ने फॉर्म किया है। ये रजिस्टर्ड संस्था है, गवर्नमेंट जो रजिस्ट्रेशन में है, मतलब अभी इसकी ब्रांचेस खुल रही हैं। और हमारा मेन मकसद जो है वो ये है कि देश के हर शहर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस हो, जहाँ हम लोग फ्री म्यूज़िक दे पाएँ और बच्चों से लेके और बड़ों तक, फोकस हम लोग बड़ों को कर रहे हैं लेकिन बच्चों से लेके बड़ों तक वो सब एक जगह एक मंच पे एक छत के नीचे सिर्फ सिंगिंग करें, सिंगिंग करें और सिंगिंग करें। और इसी प्रोसेस में हम लोग दुर्ग में आए हैं, भिलाई में आए हैं और इतना शानदार और इतना खूबसूरत शहर, इतने खूबसूरत लोग और इतने प्यारे लोग, मीठे लोग हैं, तो आज आपने देखिए आज कि कितने सारे लोगों ने पार्टिसिपेशन किया और हम लोगों ने किस तरह से उनका वेलकम किया। और शहर ने तो हमारे दो दिन पहले वेलकम कर ही लिया था। तो अभी मेन प्रोसेस ये है कि नेक्स्ट हम लोग सोच रहे हैं कि अब भिलाई में कुछ चंद लोग अभी आए थे, इस तरह से कुछ और लोग जुड़े शहर के। और